धनतेरस और दीपावली के त्योहारों को लेकर बाजारों में रौनक है, चहल पहल, लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वृद्धाश्रम में कितनी खुशियां हैं, कितने लोग हैं, उनके त्यौहार कैसे होने वाला है। जिस तरीके से गोंडा से सटे अयोध्या में आज दीपोत्सव के तहत भव्य रिकॉर्ड बनाया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, लेकिन गोंडा के जो वृद्धाश्रम में है वहाँ पर लगातार जो वृद्ध हैं बैठे हुए हैं, लगातार उनकी कैसे त्यौहार होने वाला है, इसके लिए बात करने के लिए हमारे लुटपात लोग हैं, उससे पूछेंगे कि आखिर कितनी तकलीफ होती है, कितनी दिक्कत होती है, अपने यहाँ कैसे आए थे, मतलब क्या नाम है आपका? कुंदन देवी। यहाँ पे आप कैसे आए थे, क्या दिक्कत थी? ये फारिश मारिश सब चले आना। घर पे कोई नहीं था काम करने वाला, क्यों यहाँ चले आए? चले आन सब परदेश रहते रहे, दो लड़के हमारे हैं तो परदेश हैं, कोई नहीं है, पतुए हैं घर, तो कहीं जाओ तो चली आ नहीं हम। घर की याद नहीं आती है? अरे याद आओ था तब कहा किन जाए। त्यौहार कैसे मनाएंगे इस बार? अब जैसे सब मनाई तैसे हम मनाई। बाबा क्या नाम है आपका, कितनी दिक्कत हो रही है आपको? देखिए बाबा, देखो जिस तरीके से बाबा को घर की याद आ रही है, बाबा अपने घर की याद करते हुए रो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि लोगों को घर छोड़ने के बाद कितनी दिक्कत होती होगी। दादा क्या नाम है आपका? मंगल प्रसाद। दादा क्या दिक्कत है, घर कैसे मनाएंगे? जब सरकार जो कहे तब तो नहीं है। घर की याद नहीं आती है? आया था साहब। देखिए दादा को घर की याद आ गई, दादा परेशान है, इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि जो घर परिवार बिछड़ने के बाद कितनी दुख होती है। बता जी क्या नाम है आपका? यहाँ पे कब से रह रही हैं आप? हम तो होएगा 3 साल रहा। घर की याद नहीं आती है? घर है। त्योहार कैसे मनाएंगे? अब जैसे सभी मनाए तैसे हम मनाएंगे। ये कौन है आपकी? लड़की है। जो यहाँ पे तो रहती है? हमारे साथ है। त्योहार कैसे मनाएंगे? राम मती नाम है। त्योहार कैसे मनाएंगे? बन जाए। बन जाएगा। तो घर की याद नहीं आती है? हम घर का कोई है नहीं घर। तो जो यहाँ पे विभाग की तरफ से लोगों को मिलता है, लोग लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको खाना पानी समय से ही मिलता है, जो आश्रम में जो लगातार सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन त्यौहार के मद्देनजर लोगों को याद जरूर आती होगी। हमारे साथ बाबा हैं, बाबा से बात करते हैं। बाबा क्या दिक्कत होती है आपको, कितनी तकलीफ है, कहाँ से आए हैं आप? आओ कोई दिक्कत नहीं गाँव। तो बाबा जी कुछ बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको तकलीफ ज़्यादा है। बाबा जी क्या नाम है आपका, कितनी दिक्कत होती है? सुकुल। यहाँ पे कैसे आ गए, क्या दिक्कत थी? अरे दिक्कत रहा तब तो आए हैं घर से, दिक्कत रहा तब याद नहीं आती है? हाँ आती नहीं। हाँ क्यों नहीं आती है? अब नहीं, नहीं, नहीं। जब आप जहाँ पे युवा थे तो वहाँ पे दीपावली कैसे मनाते थे पहले? अरे पहले तब रहन तब मनावत रहे लड़के पढ़ के। हाँ याद नहीं आती है? हाँ इस बार क्या होने वाला है? अरे क्या होने वाला है, त्यौहार कैसे मनाएंगे? अरे अब जो सबके बीते तैसे हमारे बीते। तो लोगों का लगातार कहना है कि जैसे सब लोग मिल के बांट के त्यौहार मनाएंगे उस तरीके से हम भी मनाएंगे। हमारे साथ ये माता जी, इनसे पूछेंगे कितनी दिक्कत आपको होती है। माता जी क्या बना रही हैं आप? ये रुई बत्ती बनाए ना दिया बारे कहन भैया केरे बनी। कौन भैया कौन? यहाँ दिया जलाएंगे आप? हाँ। त्यौहार कैसे मनाएंगे? अरे अब कैसे बता दे बाबू, आप लोग देहो तो जलाइब, ना देहो तो कोई बात ही नहीं है। कोई आ रही था मिलने उलने? कोई नहीं। यहाँ पे कब से रहती हैं आप? होएगा 2 महीना 3। तो लोग जिस तरीके से, लोगों का कहना है कि हमारे तरफ जिस तरीके से लोग होंगे उसी तरीके से त्यौहार मनाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं और कितनी सुविधा आप लोग देते हैं। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमकार सिंह है। मैं वृद्धाश्रम में 5 साल से रहता हूँ। कितने यहाँ पे लोग हैं, क्या देते हैं? जी यहाँ हमारे यहाँ 35 महिला हैं और 45 पुरुष हैं। हम इनको लोगों से सुनते हैं कि किसी का कि यह घर बिछड़ा है, तो जब हमें सबके सेवा भाव में आए तो इनका कोई कमी नहीं रहने रह पाए। खाने पीने की आप तो आप इनसे पूछ ही सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। बाकी टाइम से नाश्ता, टाइम से चाय, त्यौहार के बारे में सारी व्यवस्था हो रही है। बाकी इन्हीं के त्यौहार में अधिकारी भी आते हैं, इन्हीं के साथ में दीपावली मनाते हैं, कल सारे अधिकारी आएंगे। जिस तरीके से लोगों का घर छोड़ने के बाद लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लगातार दीपावली के दिन यहाँ पे आएंगे तो उपहार देंगे, उनके साथ दीपावली मनाएंगे। तो देखने वाली बात होती है कि जिस तरीके से इनके घरों में दीपावली मनेंगी जो बाजारों गुलजार हैं, लेकिन इनकी दीपावली कैसे होने वाली है ये देखने वाली बात होती है। गोंडा से कृष्ण कुमार बिगंगा, गोंडा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।